बच्चों, लास्ट टर्म पर हम लोग चैप्टर डिस्कस कर रहे थे वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ये चैप्टर डिस्कस कर रहे थे। इसके अंतर्गत जो टर्मिनोलॉजी होती है उसको डिस्कस किया था, और मोनोहाइब्रिड क्रॉस को भी डिस्कस किया था, और इसके पहले वेरिएशंस भी हम लोग डिस्कस कर चुके थे, विभिन्नताएँ। उसी में आगे जो टर्मिनोलॉजी हम लोग डिस्कस कर चुके थे उसी के आगे कुछ टर्मिनोलॉजी और डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर F1 जनरेशन और F2 जनरेशन, पहले जो पेरेंटियल जनरेशन क्रॉस कराते हैं, क्रॉस कराने पर जो पहली जनरेशन, प्रथम जनरेशन आती है, पीढ़ी आती है, उसे हम F1 जनरेशन या प्रथम संतति पीढ़ी कहते हैं। इसको F का मतलब फिलियल होता है। इसको पूरा ऐसे बोलेंगे इंग्लिश में तो F1 जनरेशन को, तो फर्स्ट फिलियल जनरेशन प्रथम पीढ़ी, और प्रथम पीढ़ी के ही, फर्स्ट जनरेशन के ही, फर्स्ट फिलियल जनरेशन के दो प्लांटों को लेकर के आपस में क्रॉस कराया जाता है, तो जो प्लांट प्राप्त होते हैं उसे हम F2 जनरेशन या सेकेंड फिलियल जनरेशन कहते हैं। तो ये हम लोगों ने देखा कि जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में पेरेंटियल जनरेशन का क्रॉस कराते हैं, तो जो प्लांट प्राप्त होते हैं पहली पीढ़ी में वो F1 जनरेशन या फर्स्ट फिलियल जनरेशन, और फर्स्ट फिलियल जनरेशन के प्लांट को क्रॉस करा दिया जाता है तो जो प्लांट प्राप्त होते हैं उसे वो कहलाते हैं सेकंड फिलियल जनरेशन या द्वितीय संतति पीढ़ी। तो फर्स्ट फिलियल जनरेशन क्या होता है और सेकंड फिलियल जनरेशन या प्रथम संतति पीढ़ी और द्वितीय संतति पीढ़ी। अब यहाँ पर चीज देखिए, बैक क्रॉस और ये टेस्ट क्रॉस। बैक क्रॉस क्या होता है, टेस्ट क्रॉस क्या होता है? बैक क्रॉस में F1 जनरेशन के जो फ्लावर होते हैं, प्लांट होते हैं, उनका क्रॉस पेरेंटियल जनरेशन के डोमिनेंट या रिसेसिव, प्रभावी या अप्रभावी, किसी से भी करा देते हैं, तो इसको कहते हैं बैक क्रॉस। और जो टेस्ट क्रॉस होता है, टेस्ट क्रॉस में क्या होता है, टेस्ट क्रॉस में जैसे कैपिटल R आ, ये भी रेड होता है, और कैपिटल R स्मॉल आ, ये भी रेड होता है। तो इसमें ये पता लगाना होता है कि कौन सा प्योर है और कौन सा इम्प्योर है। बाहर से तो दोनों लाल दिखते हैं, लेकिन दोनों के जीन्स अलग अलग होते हैं, तो वो जो जीन्स का डिफरेंस है वो हमें क्रॉस के द्वारा ही पता करना होता है, और उसको पता करने के लिए जो क्रॉस कराते हैं उसी को हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर पहले बैक क्रॉस देखेंगे। बैक क्रॉस में जैसे कि कैपिटल R स्मॉल R, इन दोनों का क्रॉस कराए तो F1 जनरेशन में कैपिटल R और स्मॉल R प्राप्त होता है, ठीक है ना। ये क्या है, रेड, और ये है वाइट, ये फ्लावर कलर, ये पेरेंटियल जनरेशन है, और ये F1 जनरेशन है। अब F1 जनरेशन का जो ये प्लांट है, इसी का क्रॉस इससे करा दे, रेड से या वाइट से, इसी को हम बैक क्रॉस कहते हैं। तो जैसे कि इसका इससे क्रॉस कराते हैं तो इसमें ये चेकर बोर्ड बना देंगे। चेकर बोर्ड में यहां पर इसके F1 जनरेशन के क्या है, कैपिटल R स्मॉल R, कैपिटल R स्मॉल R, और ये इसका रेड का क्या है, कैपिटल R, ये कर देते हैं। फिर दोनों को ऐसे भर देते हैं, कैपिटल R, ये कैपिटल R। अब इसको देख लेंगे, कैपिटल R, ये स्मॉल R, ठीक है ना। तो ये क्या है, चारों दो प्योर है दो इम्प्योर है, लेकिन बाहर से सब हमें कैसे दिखेंगे, रेड। तो ये सब क्या होंगे, 100% रेड होंगे। अब इसी के पश्चात दूसरा देखें, F1 जनरेशन का क्रॉस वाइट से करा दें तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, तो इसमें इस तरह से यहां पर स्मॉल R वाइट के लिए, और F1 जनरेशन का कैपिटल R
स्मॉलर, तो ये स्मॉलर 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 स्मॉलर, ये कैपिटल आर कैपिटल आर, ये स्मॉलर स्मॉलर। तो यहाँ पर ऊपर कैपिटल आर स्मॉल आ रहा है और नीचे स्मॉल आर आ रहा है, तो ये ऊपर के जो होंगे क्या होंगे, मतलब 50% रेड होंगे और जो 50% होंगे वो वाइट होंगे, यहाँ 50% रेड और 50% वाइट। तो ये बैक क्रॉस होता है, बैक क्रॉस में F1 जनरेशन के प्लांट का यहाँ पर डोमिनेंट या प्रभावी रेड से करा सकते हैं या रिसेसिव या प्रभावी या वाइट से कराते हैं, को किसी से भी करा दें, ये दोनों ही क्या कहलाएंगे, बैक क्रॉस, ठीक है ना। अब देखते हैं टेस्ट क्रॉस, टेस्ट क्रॉस क्या होता है, जैसे कि यहाँ देखते हैं कैपिटल आर आर और कैपिटल आर स्मॉल आर है, ये प्योर है ये इम्प्योर है, लेकिन ये दोनों ही क्या है, रेड है, दोनों ही रेड है। अब इनमें ये पता करना है कि कौन सा प्योर रेड है और कौन सा इम्प्योर रेड है, तो इसको पता लगाने के लिए जो क्रॉस कराते हैं उसी को हम कहते हैं टेस्ट क्रॉस। तो इस दोनों का बारी बारी से क्रॉस किससे करा देते हैं, जो इनका रिसेसिव करेक्टर होता है, अप्रभावी लक्षण होता है। अप्रभावी लक्षण क्या होता है, सफ़ेद, सफ़ेद के जीन्स क्या लिखते हैं, स्मॉल आर स्मॉल आर। तो पहले इसका क्रॉस कराते हैं, इसके लिए भी चेकर बोर्ड बना देंगे, ये चेकर बोर्ड, ठीक है ना, यहाँ पर कैपिटल आर इसको रख दिया। अब इसी का जो रिसेसिव करेक्टर है वो स्मॉल आर स्मॉल आर, ठीक है ना। तो यहाँ पर पहले ये कैपिटल आर फिर ये कैपिटल आर ये स्मॉल आर स्मॉल आर ये स्मॉल आर स्मॉल आर। अब ये देखें तो क्या प्राप्त हो रहा है, 100% रेड, इम्प्योर सब है लेकिन जो इम्प्योर होते हैं वो 100% जो है कैसा करेक्टर शो करते हैं, डोमिनेंट करेक्टर को शो करते हैं। तो ये क्या है, 100% रेड। अब दूसरा जो इम्प्योर है उसको भी क्रॉस करा देते हैं, तो हम बारी बारी से दोनों को क्रॉस कराते हैं जिनमें हमें शुद्धता का पता करनी है। तो यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर और ये रिसेसिव वाला स्मॉल आर, रिसेसिव स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, इसी का ही क्रॉस कराते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं ये कैपिटल आर ये स्मॉल आर स्मॉल आर, अब ये स्मॉल आर स्मॉल आर, तो ये स्मॉल आर स्मॉल आर। तो इसमें देखेंगे क्या हो रहा है कि इसमें जो दूसरा हमने इम्प्योर वाले क्रॉस कराया, तो ये इसमें 50% जो होंगे ये दोनों 50% रेड और ये दोनों प्योर वाइट होंगे कि स्मॉल आर स्मॉल आर, तो 50% कैसे होंगे, वाइट। तो इस प्रकार से इसमें देखा जो टेस्ट क्रॉस है, टेस्ट क्रॉस में कि अगर रिसेसिव करेक्टर से उसी का प्रभावी लक्षण से क्रॉस कराया जिस प्लांट का और 100% डोमिनेंट करेक्टर को प्रभावी लक्षण को प्रदर्शित करने वाले पौधे प्राप्त होते हैं, तो लिया गया पौधा कैसा होता है, प्योर, ठीक है ना, शुद्ध होता है। और अगर जो रेड प्लांट का क्लास रिसेसिव करेक्टर से कराने पर 50% रेड और 50% वाइट, मतलब 50% को जो है प्लांट प्राप्त होंगे उनके वो प्रभावी लक्षण को प्रदर्शित कर रहे हैं और 50% प्लांट ऐसे होंगे जो अप्रभावी लक्षण को प्रदर्शित कर रहे हैं, तो फिर लिया गया पौधा इम्प्योर होता है। तो इस प्रकार से इनके जो रिजल्ट आते हैं क्रॉस कराने पर, उनके रिजल्ट से ही हम डिसाइड करते हैं कि जो प्लांट लिया गया है वो शुद्ध है या अशुद्ध है, प्योर है और या इम्प्योर है। तो प्योर और इम्प्योर का पता लगाने के लिए उसी का रिसेसिव या प्रभावी पौधे से जो क्रॉस कराते हैं उसी को हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं। तो यहाँ पर ये बैक क्रॉस और ये टेस्ट क्रॉस, ठीक है ना। टेस्ट क्रॉस में प्रभावी और अप्रभावी, डोमिनेंट और रिसेसिव, ठीक है ना। तो इनके रिजल्ट में जो प्योर भी रेड इम्प्योर भी रेड पता लगाना, शुद्ध अशुद्ध, तो इसी के रिसेसिव से करेक्टर करा देते हैं क्रॉस, ठीक है ना।
और 100% रेड आ रहे हैं तो इसका मतलब लिया गया पौधा प्योर है, 50% रेड 50% वाइट है तो लिया गया पौधा इम्प्योर है। तो ये टेस्ट क्रॉस पेपर में बहुत पूछा जाता है। टेस्ट क्रॉस क्या होता है ना, टेस्ट क्रॉस किसके लिए कराते हैं, तो बैक क्रॉस भी पूछा जाता है, लेकिन बैक क्रॉस कम इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट ज़्यादा टेस्ट क्रॉस है। तो ये आपने आप देखा बैक क्रॉस क्या होता है और टेस्ट क्रॉस क्या होता है, और तो इन दोनों को बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस दोनों को अपनी फेयर कॉपी में नोट करेंगे, इसका स्केच बनाएंगे और इसको लिखेंगे, और कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको पूछिएगा, ठीक है ना। बैक क्रॉस में ध्यान रखेंगे F1 जनरेशन के प्लांट का पेरेंटियल जनरेशन डोमिनेंट या रिसेसिव, प्रभावी या अप्रभावी किसी से क्रॉस करा देते हैं तो इसको बैक क्रॉस कहते हैं। और टेस्ट क्रॉस में क्या होता है, टेस्ट क्रॉस में जो प्योर और इम्प्योर दोनों पौधे डोमिनेंट करेक्टर को शो करते हैं तो वो उनमें ये पता लगाना है कि डोमिनेंट कौन है, मतलब प्योर कौन है और इम्प्योर कौन है, तो दोनों का क्रॉस बारी बारी से जो रिसेसिव करेक्टर है प्रभावी लक्षण है उससे क्रॉस करा देते हैं, और उसके जो रिजल्ट्स आते हैं उसी से बता देते हैं कि ये प्योर है और यह इम्प्योर है ना। 100% रेड आते हैं डोमिनेंट करेक्टर तो वो प्योर है, 50% डोमिनेंट 50% रिसेसिव, 50% रेड 50% वाइट तो लिया गया प्लांट इम्प्योर होता है। तो इसको नोट करेंगे, नेक्स्ट टर्न पर इसी के आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।